आपकी वीडियोस यूट्यूब पे भी आनी शुरू हो गई हैं इंशाल्लाह, आज कल में सारी आ जाएंगी। कुछ मैंने स्टार्ट कर दी हैं, कुछ अपलोडिंग के प्रॉब्लम्स थे वो एडिटिंग के मसले थे वो कर लिए हैं ऑलमोस्ट, एक आध दिन में यू विल गेट ऑल ऑफ देम। अभी एक दो आ गई हैं ऑलरेडी, ठीक है, बहरहाल ये वीडियोज़ तो हैं ही। ओके, कुछ लोग के भी काम है, एक चीज़ में थोड़ी सी काइंड ऑफ रिव्यू थोड़ा सा कर लें, उतनी देर में लोग भी आ जाएंगे। और वैसे भी आज हमारे प्रॉब्लम्स हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। बी वेरी अटेंटिव। मैंने आपसे कहा था कि ये फर्स्ट हमारा सही टॉपिक ये है असल में, जिसमें हम प्रॉब्लम्स को और इस तरह प्रॉब्लम को प्रॉपर सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले थ्योरी बनाएंगे और ये साइकिल हमने फिर हर तरह की उसमें रिपीट करना है। दिस इज़ योर जनरल लेंथ, कोई भी बॉडी है, हमने इसमें देखी है, वो भी शर्त नहीं रखी कि ये ज़रूर कोई प्रिज्मेटिक बॉडी। प्रिज्मेटिक बॉडी क्या होती है? जिसका क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट होता है। तो हमारे जो एक्सियल प्रॉब्लम्स हैं हम टेपर्ड बॉडीज पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये लेट्स से एट डिस्टेंस एक्स वी टेक पॉइंट ए एंड देन पॉइंट बी एट डिस्टेंस डेल्टा एक्स अपार्ट। ये याद रखिएगा कि हम इससे पहले हम जो स्ट्रेस का फॉर्मूला बना चुके हैं, तो मैं इट्स काइंड ऑफ अ रिवीजन, बट ये याद रखिएगा कि हम इस फॉर्मूले को स्ट्रेस विच इज अ फंक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस इज बेसिकली दिस वाज द फॉर्मूला दैट वी डिराइव्ड। ये क्या बता रहा है? हर इक्वेशन कुछ बता रही होती है। स्ट्रेस सिग्मा मींस नॉर्मल स्ट्रेस, एक्स मींस एक्स डायरेक्शन वाला स्ट्रेस है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इन द एक्स डायरेक्शन। दिस ब्रैकेट एक्स दिस मीन्स ये फंक्शन ऑफ एक्स है, यानी यू मूव अलॉन्ग तो जाहिर है पी आगे पीछे हो सकता है। एट एनी सेक्शन कट इट इट कैन बी अ डिफरेंट पी, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेस भी डिफरेंट होगा। तो अगर मुझे इस पॉइंट का स्ट्रेस चाहिए तो मैं यहाँ काटूंगा, तो यहाँ का जो पी होगा वो आज हम करेंगे सारा कुछ, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, अब ए भी कॉन्स्टेंट नहीं है, ए भी अगर टेपर्ड बार है देन यू अंडरस्टैंड कि ए इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये दिस इज द जनरल फार्मूला जिससे फिर आम हालात में जब ये टेपर बार नहीं रहता तो फिर ये ए जो है कांस्टेंट हो जाता है। इसी तरह पी भी कभी कभी फंक्शन ऑफ एक्स नहीं रहा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो समटाइम्स देन यू गेट दिस फार्मूला ऑल्सो, ठीक है। ये तो आपको बहुत अच्छी तरह याद है, बट जनरली आपको ये याद रखना, ठीक है ना। ये इसको ज़रा प्लीज रिकॉल दिस, ये हम कर चुके हैं। लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी शायद तसल्ली बख्श नहीं हुई थी वो मैं आज करा देता हूँ, क्योंकि आगे इसका हमने इसको थोड़ा सा यूज़ किया था बट आज इसको फिर हमने यूज़ करना। नाउ आफ्टर डिफॉर्मेशन, दिस इज बिफोर डिफॉर्मेशन, आफ्टर डिफॉर्मेशन बहुत एग्जेजरेटेड बना रहा हूँ, इतनी डिफॉर्मेशन नहीं होती, मतलब हो सकती है बट देन इट विल नॉट बी इन लीनियर रिजीम। हम लीनियर से बाहर की बात नहीं कर रहे फिलहाल, ठीक है जी, इस पूरे कोर्स में बल्कि दिस बिकम्स ए स्टार दिस बिकम्स, यानी सारा कुछ आगे आगे चला गया, ठीक है। और इसमें आपस में स्ट्रेस भी बीच में आ गया कुछ, ठीक हो गया, राइट। इनका जो डिस्टेंस है न्यू डिस्टेंस दैट इज डेल्टा एक्स स्टार, ये भी ठीक हो गई बात। अच्छा, अब इस पॉइंट पे जो डिफॉर्मेशन है, डिफॉर्मेशन डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। और या आप ये कह लें कि दिस एट पॉइंट एक्स कह लें, ठीक है ना। और ये डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट पर जाहिर है ये यहाँ से यहाँ गया है ना, देखिए मैं रेड में आपको दिखाने लगा हूँ, इसको बहुत ख्याल रखिएगा। ये पॉइंट यहाँ था, ये यहाँ से यहाँ चला गया। व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस इज दिस डिस्टेंस, ब्रैकेट में एक्स मीन्स एट एक्स सेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब ये बी पॉइंट मैं ब्लू में दिखा रहा हूँ, बी पॉइंट भी तो आगे गया है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है इस पॉइंट का, इसको हम कहेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है ना। इसको हम कहेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी ये हमें इस पॉइंट का, यानी ये बी पॉइंट की लोकेशन क्या है? एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इस पॉइंट पे ये लोकेट बी कर रहा था, राइट, याद है आपको। तो अगर ये कर रहा था तो हमें इसको दिखाने के लिए कि व्हाट द डिस्प्लेसमेंट एट दिस पॉइंट इज, वी कॉल इट डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी ये बेसिकली उसकी लोकेशन बता रही है, उसकी क्वांटिटी अभी नहीं बता रहा, ठीक हो गया। यहाँ तक आप पहुँच गए। अच्छा, अब एक छोटा सा स्टेप आगे,
और वो इंटरेस्टिंग स्टेप है बहुत ज़्यादा, ये इसको अच्छी तरह समझ लीजिए ताकि हम आज यूज़ भी करेंगे बट इसको कंसेप्चुअली आपको आना चाहिए, ठीक हो गया। अब आप याद करें, ये अगर यहाँ तक बात पहुँच गई तो कभी कभी हम इसको यहाँ पर x लिख देते हैं, ये सिर्फ ये है, ये बता रहा है कि डेल्टा इज इन द x डायरेक्शन, ये x वन डी प्रॉब्लम में इवन इफ यू डोंट राइट इट इट इज अंडरस्टूड, ठीक हो गया। अच्छा अब याद करें स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या था, एनीबडी रिमेंबर्स द फॉर्मूला फॉर स्ट्रेन? फॉर्मूला फॉर स्ट्रेन वॉज इस केस में ये x डायरेक्शन, ये छोटा x, फंक्शन ऑफ x, क्योंकि स्ट्रेन कैन बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, तो ये मैं हर चीज़ को वेरिएबल रख रहा हूँ, आपको जहन में होना चाहिए। ये मत सोचिए कि एक स्ट्रेन होगा इस पूरी बॉडी का, इस बॉडी का कभी एक स्ट्रेन नहीं होगा। इवन इफ आई अप्लाई द सेम पी हेयर एंड हेयर ऑन द टू एंड्स, कुछ जगहों पर इसका टेपर की वजह से एरिया कम है, कुछ पे ज़्यादा है, जहाँ कम है वहाँ ज़्यादा स्ट्रेच होगा, यू अंडरस्टैंड इट राइट? अच्छा स्ट्रेन का फॉर्मूला था चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, ये बट व्हेन लिमिट एक्स डेल्टा एक्स गोज़ टू जीरो, यानी बेसिकली हम बेसिकली स्ट्रेन एट अ पॉइंट की बात करते हैं। अभी तो ये डेल्टा एक्स एक ए बी लाइन है ना, ए बी लाइन जब कॉन्ट्रैक्ट होके जीरो पे लिमिट पे चली जाती है, यानी एक पॉइंट पे पहुंच जाती है, कन्वर्ट कर जाती है, तो उस वक्त असल में स्ट्रेन उस पॉइंट का वो है। ए बी पे करेंगे यानी कि लिमिट नहीं लेंगे, तो देन वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ फाइनाइट लेंथ, ठीक है ना। तो ये वही वाली बात वेलोसिटी वाली, कि आपने एक खास डिस्टेंस लिया और आपने देखा इस ये डिस्टेंस इतने टाइम में ट्रेवल हुआ था, तो उस टाइम से उस डिस्टेंस को डिवाइड किया, यू गेट एवरेज वेलोसिटी फॉर दैट डिस्टेंस या फॉर दैट टाइम। बट किसी एक इंस्टेंट का बीच में लेना हो क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस, यानी आप उसको लिमिट लेते हैं डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो, ठीक है ना, ये याद आ गया आपको। तो आप ये देखिए डेल्टा एक्स, ये बेसिकली ये जो चेंज है, दिस चेंज, ये चेंज है ना, न्यू लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एक्स स्टार माइनस ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, क्या ख्याल है आपका, एक्स प्लस डेल्टा, ये डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए ओवर डेल्टा एक्स, लिख सकते हैं ना, ये मैं आपको समझा देता हूँ, ज़रा गौर कीजिए। अगर थोड़ा सा इसको समझिएगा, ये डेल्टा एक्स ये वाला एट एक्स दिस पॉइंट, ये डिस्प्लेसमेंट ये रेड वाली जो है इज इक्वल टू द ब्लू डिस्प्लेसमेंट, यानी ए और बी पॉइंट दोनों मूव तो कर गए बट इक्वली मूव किए, तो क्या ख्याल है स्ट्रेन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एनीबडी? नहीं सर, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखें ये एक, इसको रिजिड बॉडी मोशन कहते हैं, रिजिड बॉडी मोशन, यानी आप अगर मैं एक पेन यहाँ पड़ा हुआ है, ये एक पेन पड़ा है, इसमें दो लाइनें लगा लूँ रैंडम, अच्छा अब मैं पेन को ना उठा के, ये इसकी डेटम थी, मैं इतना डिस्टेंस छोड़ के इसको पुश करके इधर ले जाऊँ, पेन में कोई चेंज नहीं आया, पेन में कोई स्ट्रेस नहीं आया, ये दोनों लाइनें आगे चली जाएंगी, इन दोनों लाइनों में डिस्टेंस सेम रहेगा क्योंकि जाहिर है कोई स्ट्रेस तो आया नहीं, तो इसमें ऑब्वियसली स्ट्रेन में जीरो आंसर आना चाहिए। वो क्यों जीरो आना चाहिए, क्योंकि दोनों की डिस्प्लेसमेंट, ये मैं ये अच्छी तरह समझ लें इस पॉइंट को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, ठीक है ना, ये ठीक है, ये थोड़ा सा बनाने में अच्छा नहीं रहा, बट द थिंग इज कि बोथ डिस्प्लेसमेंट्स आर द सेम, इन दैट केस स्ट्रेन शुड बी जीरो। स्ट्रेन तो आता ही तब है जब एक ए जो है वो मूव करे और बी भी मूव करे, कि इनका आपस में डिफरेंशियल हो मोशन का, ताकि अगर बी का मोशन ज़्यादा है ए से तो इट मीन्स टेंशन है, अगर ए का मोशन ज़्यादा है बी से इसका मतलब कंप्रेशन है, राइट? दोनों केसेस में डिफरेंस आना चाहिए ना, तो बेसिकली दिस गिव्स यू द चेंज इन लेंथ, ये भी चेंज इन लेंथ का मेजर है लेफ्ट पर, ये भी चेंज इन लेंथ है, ठीक है, और अगर ये दोनों बराबर मूव किए हैं, ये डिस्प्लेसमेंट्स हैं, ये डिस्प्लेसमेंट्स हैं, तो कोई स्ट्रेच नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा इसमें भी जाहिर है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग जीरो है। अच्छा अब ये व्हाट इज दिस, डिफरेंशियल का एक्सप्रेशन है, जब कहते हैं लिमिट समथिंग माइनस समथिंग ओवर डेल्टा एक्स और लिमिट अप्रोचिंग जीरो, तो ये बेसिकली डी डेल्टा x x ओवर डी एक्स, ये बेसिकली जब लिमिट ले लेते हैं तो यही डिफरेंशियल की डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन है, वो यही है कि आप एक सेक्शन एक लेते हो उसमें एक क्वांटिटी माइनस अदर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय दैट, लेकिन ये तो एक फाइनाइट आ गया, अब उसको जब डिवाइड जिससे कर रहे हैं उसको आप अप्रोचिंग जीरो कराते हैं, तो देन इट बिकम्स फ्रॉम समथिंग बिकम्स
फ्रॉम डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी फॉर एग्जाम्पल टू डी एस ओवर डी टी, इसमें क्या फर्क है, इसमें लिमिट आ जाती है डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो, ये बिल्कुल यही काम हो। तो ये वो एक्सप्रेशन था जो हमने लास्ट टाइम यूज किया था डिराइव करने के लिए, बट आज असल में इसकी जरूरत ज्यादा है, तो मैं इसलिए मैंने आपको कहा बताया। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये एक्सप्रेशन आ जाना और ठीक है, इट्स वन थिंग, बट व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर दैट एट दैट पॉइंट, ठीक है ना। अब पॉइंट तो वही बात है कि काउंटर इंट्यूटिव, एक पॉइंट पे क्या डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी, बट वो हो रही है, ठीक है ना। मैथमेटिकली ये वैसे ही है जैसे एक पॉइंट पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन उनका एक रेशियो तो है ना, एक टाइम और उसका एक स्लोप तो है, विच इज बेसिकली डिफरेंशियल, राइट। तो ये चीज ध्यान में रखिए, स्ट्रेन का रिलेशनशिप चेंज, ये डिस्प्लेसमेंट चेंज, यानी एक पॉइंट यहाँ था और यहाँ आ गया, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, जिसको आप कह सकते हो कि ओरिजिनल लेंथ माइनस फाइनल लेंथ, वॉट एवर, ठीक है ना। ये अगर आपको समझ में आ गया तो अब आगे बहुत आसान है, और बस देन वील जस्ट मूव ऑन एंड डू सम प्रॉब्लम। हम यहाँ तक पहुँच चुके थे कि हमने स्ट्रेस का फॉर्मूला बना लिया था, नाउ वॉट अबाउट एलोंगेशन। हमने आपसे शुरू में बात की थी, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, एक चीज़ क्या यील्ड तो नहीं कर रही, मीन्स स्ट्रेस तो इसका एक्सीड नहीं कर रहा उसकी मटेरियल यील्ड स्ट्रेंथ से, दूसरी चीज़ स्ट्रेस नहीं कर रहा एक्सीड, ठीक है, वो एक्सटेंशन उसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन इतनी तो नहीं होगी एलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन या वॉट एवर कि वो उस अपने फंक्शन के लिए सूटेबल ही ना रहे। ये हो सकता है ना कि एक चीज़ या आपने फोर्स लगाई, ये इतनी एक्सटेंड कर गई, अब इसको इतना एक्सटेंड ही नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ है जिसका टक्कर हो सकती है, या एक केबल है वही जो हमने कल एग्जांपल ली थी, और ये हमारा एलिवेटर है, और इस केस में एक्सटेंशन इतनी होगी कि एलिवेटर नीचे चला गया बिकॉज देयर वाज टू मच लोड है, तो नाउ पीपल आर जंपिंग अपवर्ड्स, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब, अब इसमें जब आप लोड उठाएंगे तो वापस चला जाएगा मेरी जगह पर, बट इट हैज़ ऑलरेडी फेल्ड बिकॉज हमारा जो उसका फंक्शन है जिसमें कंफर्ट भी आता है लोगों का, वो तो कॉम्प्रोमाइज हो गया, राइट। तो हमें किसी भी फोर्स के नतीजे में कितनी डिफॉर्मेशन होती है, कितनी एलोंगेशन होती है, उसको भी देखना होता है, ठीक है। तो ये डी डेल्टा एक्स ओवर डी एक्स, अच्छा इसको सिंप्लिसिटी के लिए ना हम बस इसको अब ये बार बार नीचे वाला एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्स डायरेक्शन, तो इसलिए डी डेल्टा एक्स ओवर डी एक्स बस ये, ठीक हो गया। अच्छा हम इंटरेस्टेड हैं एलोंगेशन में, तो एक पॉइंट की एलोंगेशन इज इक्वल टू स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय डी एक्स, ये हमने इसको रीराइट कर लिया, इधर ले गए, ठीक हो गया। अच्छा और अगर हमें टोटल चाहिए हो एलोंगेशन, एक पूरी बॉडी है उसमें यहाँ भी एक डिफॉर्मेशन है, यहाँ भी है, यहाँ भी, और इस सब का क्यूमुलेटिव अगर चाहिए इफेक्ट, तो क्या होगा, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं जीरो टू एल, जो भी लेंथ टोटल लेंथ है उसके ऊपर, ठीक है, जीरो टू एल एप्सिलॉन एक्स एक्स डी एक्स, राइट। अच्छा और हमने कल ही परसों सॉरी हमें एप्सिलॉन का एक फार्मूला अभी मैंने यानी कल परसों हमने यूज़ किया था, दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटिव लॉ। कॉन्स्टिट्यूटिव लॉ क्या होता है कि सिग्मा एक्स एक्स ओवर एप्सिलॉन एक्स एक्स इज इक्वल टू ई, ये याद करें, ये हुक्स लॉ वन डायमेंशन, और इन एक्सेस से नहीं घबराना, एक्स only telling you bracket wala x kit sigma is changing at every point, could change, strain is could also change, aur ye jo niche wale subscript mein x hai ye aapko bata rahe hai ki x direction ka stress, so don't worry about it, it is nothing but this. to agar main isko use karu is expression ko, to I get sigma x x over e, theek hai na, aise ho gaya, and dx फ्रॉम जीरो टू एल, ये हमने इंटीग्रेशन में करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। और अगर आप याद करें कि आज ही मैंने आपको रिवाइज कराया था शुरू में कि सिग्मा एक्स इज इक्वल टू पी एक्स ओवर ए एक्स, ये भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इफ आई यूज दिस वन देन आई गेट पी एक्स ओवर ए एक्स ई डी एक्स फ्रॉम जीरो टू एल, एंड दिस इज आर एक्सप्रेशन फॉर दिस डिफॉर्मेशन, इतना एक्सटेंड करता है या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है ना। इसको हम कहेंगे, बस ये हमारा ख़त्म होगी सारी चीज, इसको हम कहेंगे लोड डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। इससे पहले
ये स्ट्रेस फार्मूला है हमारा, ये फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला फॉर एक्सियल, ये दोनों एक्सियल स्ट्रेस प्रॉब्लम्स, दो ही चीजें हैं, एक्सटेंड कितना हो रहा है और स्ट्रेस कितना है, ये दो मामला है, एक में हमें स्टिफनेस चेक हो जाएगी डिजाइन की और एक में हमें चेक हो जाएगा डिजाइन का स्ट्रेंथ, ठीक है। अच्छा, अब कांस्टेंट लोड और कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन अगर हो जाए, लेट्स से अभी मैं बता रहा था ना कि लोड जो है वो जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट हो, लोड कैन बी समथिंग लाइक, ये देखिए एरिया भी टेपर हो रहा है और लोड ऐसे थ्रू आउट पी लग रहा है, सम फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन पर मीटर, हर मीटर पर 10 न्यूटन लग रहा है, तो फिर तो आपको हर जहां भी काटेंगे पी डिफरेंट होगा। व्हाट हैपेंस इफ देयर आर टू लोड्स एट द एंड, बीच में कुछ नहीं है, तो यहां काटेंगे तो पी होगा, यहां काटेंगे तो पी होगा, यहां तो ये कांस्टेंट पी है, ठीक है। और क्रॉस सेक्शन भी देखें, यहाँ तो पेपर था तो यहाँ अगर काटूंगा तो ए इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ए इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ए इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ मैं जहां भी काट लूँ इट हैज नथिंग टू डू विद बीइंग अ फंक्शन ऑफ एक्स, कांस्टेंट है ना। तो जब ये दोनों चीजें कांस्टेंट हो जाएं, लेट से, तो मैं कैसे लिखूंगा इसी एक्सप्रेशन को, सिग्मा पी बाहर आ जाएगा डिफरेंशियल से, इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स, पी कांस्टेंट हो गया, ए बाहर आ गया, ई तो वैसे ही जनरली स्पीकिंग कॉन्स्टेंट ही होता है, ठीक है। वॉट आई गेट इज 0 टू एल डी एक्स, वॉट इज दिस, दिस इज टोटल बेसिकली एल, ठीक है ना। तो बेसिकली फॉर ये सिंपल फॉर्मूला आ गया, जहाँ पे कोई वेरिएबल एरिया नहीं होता और कोई वेरिएबल लोडिंग नहीं होती, ये भी हम सारे प्रॉब्लम्स, हर तरह का प्रॉब्लम आपको करा दूंगा, ठीक है ना। ये आप समझ लें इक्विवेलेंट आ गया, यानी सिग्मा फंक्शन ऑफ एक्स वॉज पी फंक्शन ऑफ एक्स ओवर ए, ये तो था जब पी और ए चेंज हो रहे होते हैं, जब नहीं हो रहे होते तो सिंपल ये हो जाता है। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट का भी बिल्कुल एनालॉजी है, दिस एक्सप्रेशन इन द ब्लू दिस टेल्स यू, अगर पी भी चेंज हो रहा है ए भी चेंज हो, अभी मैं सारे प्रॉब्लम कराऊंगा आपको दोनों करा के, अगर कोई चीज चेंज नहीं हो रही कुछ भी नहीं है, बस फिर ये पी एल ओवर ए सादा, ठीक हो गया ना। अच्छा, अब एक छोटी सी बात साइन कन्वेंशन की बिफोर वी मूव ऑन टू, साइन कन्वेंशन बहुत ज़रूरी होगी, हमें याद रखिएगा हर चीज़ में साइन कन्वेंशन की बहुत इम्पोर्टेंस है, ठीक हो गया। अब ये देखिए, अगर एक चीज़ में इस तरह की बॉडी है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऑल्दो आई विल डू इट न्यूमेरिकल्स ऑल्सो, बट इसकी थ्योरी समझ लीजिए। अगर ऐसी सिचुएशन या ऐसी सिचुएशन, अब इसमें देखिए ये वो सिचुएशन नहीं है कि जैसे लोड थ्रू आउट जा रहा है तो यू कट एनीवेयर तो लोड डिफरेंट होगा, ऐसी सिचुएशन नहीं है। इस यहां मैं जितना भी काट लूं लोड सेम है, इधर भी लोड सेम है, ठीक है, बट एरिया हेयर इट इज डिफरेंट, हेयर इट इज डिफरेंट, इधर तो एरिया थ्रू आउट डिफरेंट था ना, अगर ये टेपर होता, ठीक है ना, अगर ये टेपर होता, ये टेपर नहीं है, ये है कॉन्स्टेंट एरियाज, बट दो कॉन्स्टेंट एरियाज हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर दिस, अगर मुझे इसमें डिफ्लेक्शन मालूम करनी है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है, बट इसका तो ए कुछ और लगाना पड़ेगा, राइट हैंड साइड वाले का यूज करूंगा तो ए कुछ और लगाना पड़ेगा। तो ऐसे मौके पे जब डेल्टा कैलकुलेट होगा ना टोटल चेंज इन लेंथ, तो वो समेशन ऑफ पी एल ओवर ए होगा, यानी ये वाला इंटीग्रल नहीं है, ये इंटीग्रल तब होता है जब कॉन्स्टेंट कोई चीज चेंज होती है एरिया, तब तो आपको लगाना पड़ेगा। ये है स्टेप फंक्शन, स्टेप फंक्शन का मतलब है कि इधर एक सेक्शन में भी फॉर्मूला वैलिड है, दूसरे सेक्शन में भी फॉर्मूला वैलिड है, ऑल आई नीड टू डू इज बेसिकली पी वन एल वन ओवर ए वन ई वन प्लस पी टू एल टू ओवर ए टू ई टू, ये बेसिकली इसमें जाहिर है ई वन ई टू सेम भी हो सकते हैं, ए तो चेंज हो रहे हैं, पी विल बी द सेम इन दिस केस, लेंस कैन बी डिफरेंट, राइट। तो ये दो सेगमेंट्स हैं तो इसलिए दो दफा, अगर तीन होते तीन लेने पर, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली नीचे वाले एग्जाम्पल देखें, यहाँ एरिया तो कॉन्स्टेंट है, एरिया इज द कॉन्स्टेंट एवरीवेयर, वेयर एवर यू कट इट एरिया इज द सेम, बट आप
मानेंगे कि मैं अगर एफ वन और एफ टू के दरमियान काटूँ तो फोर्स कुछ और होगी, एफ टू और एफ थ्री के दरमियान काटूँ तो फोर्स कुछ और होगी. सो आई कैनॉट यूज दिस पी एल ओवर ए फॉर्मूला जस्ट वंस. यहाँ भी मुझे पी चेंज करना पड़ रहा है दोनों में, तो इस वजह से आई हैव टू यूज दिस समेशन फार्मूला. ठीक है. अच्छा, अब अगर समेशन फार्मूला यूज करना है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा, वो ये कि हो सकता है नीचे वाले इसमें कंप्रेशन हो रही है और इसमें टेंशन हो रही है, हो सकता है ना, हमें नहीं पता, ये तो वो फोर्सेस पे डिपेंड करेगा. दोनों में जरूरी तो नहीं टेंशन होगी, दोनों में जरूरी तो नहीं कंप्रेशन होगी, किसी में टेंशन है किसी में कंप्रेशन है. तो इफ आई वांट टू नो इन द एंड व्हाट इज द टोटल, एक में डिफॉर्मेशन नेगेटिव हुई एक में पॉजिटिव हुई, बट व्हाट इज द टोटल डिफॉर्मेशन, ये मालूम करना चाहूँ तो मुझे अकाउंटिंग करनी पड़ेगी ना. इसमें माइनस फाइव आया, इसमें प्लस टेन आया, तो ऐड किया तो प्लस फाइव, इट मीन्स टोटल इज टेंशन. तो इसमें हमें साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा. अगर नहीं करेंगे तो फिर तो इन द एंड हमें हर एक का अलग अलग से नंबर मिल जाएगा चेंज ऑफ लेंथ का, बट इट वॉन्ट मेक एनी सेंस. तो साइन कन्वेंशन इसकी सादा तरीन है और आज ही यूज होगी और आइंदा भी हमेशा यूज होगी. वो क्या कि हम जो पीस है ना, ये अभी हमने पी एल ओवर ए का जो पी है वो पॉजिटिव है फॉर आउटवर्ड फोर्सेस, ये भी समझा देता हूँ, जिसको हम टेंसाइल भी कहते हैं, टेंसाइल फोर्सेस भी कहते हैं वो, लेकिन अभी बता देता हूँ. ठीक है, नेगेटिव फॉर इनवर्ड फोर्सेस, ये कंप्रेशन, ये अभी 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 हम इसको एग्जांपल करेंगे. और डेल्टा भी बिल्कुल सेम, पॉजिटिव फॉर एलोंगेशन और नेगेटिव फॉर कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है जी, अभी आपको बता दें पॉजिटिव नेगेटिव से क्या मुराद है. अब ये देखिए एक प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम, ये वो वाला चार प्रॉब्लम में से नहीं है जो मैंने आपसे कहे थे, लेकिन ये एक मिनी प्रॉब्लम है सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए. ठीक हो गया, ये देखिए, लेट अस सी, आई एम गोइंग टू पेस्ट हेयर, दिस इज योर वार्म अप क्वेश्चन, जस्ट वन मिनट क्वेश्चन, उसके बाद चार प्रॉब्लम्स. ये कुछ लोडिंग करते हैं. जी जी, बोले बोले सर, स्लाइड ऊपर कर दें. हाँ मैं ऊपर करता हूँ. जी जी बिल्कुल, एक मिनट, कितना ऊपर चाहिए? नहीं नहीं सर, वो साइन कन्वेंशन ही देखनी थी. अच्छा, साइन कन्वेंशन देख लीजिए. अभी मैं इसको ये बल्कि ऐसे ही कर ले, साइन कन्वेंशन. अच्छा, अब ये देखिए, लेट्स से वी आर इंटरेस्टेड इन द टोटल डिफॉर्मेशन इन दिस टोटल डिफॉर्मेशन. तो पहले तो इसका जरा नोटेशन जरा नोट कर लीजिए क्या है. अगर मैं लिखूँ ना A/D, इसका मतलब है कि डिफॉर्मेशन थ्रू आउट, यानी बेसिकली A/B, यानी A और B की डिफॉर्मेशन कितनी, प्लस B/C प्लस C/D, ये बेसिकली हर अब इंडिविजुअल सेक्शंस में डिफॉर्मेशन को अगर मैं ऐड कर दूँ तो ये AD से मुराद है, मैं A से D तक जा रहा हूँ. लेट्स से मैं लिखूँ A/B खाली लिखूँ तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन BC और CD, मैं सिर्फ A और B की लेंथ, इंक्रीज लेंथ मालूम करना चाहिए. ये एक स्लैश का मतलब समझ लीजिए क्या है. ठीक है, एक तो बात ये आपको पहली पता होनी चाहिए. ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं ये मालूम करना, इस केस में A/D में अगर करना चाहता हूँ तो मुझे तीनों सेक्शंस लेने पड़ेंगे, राइट? अच्छा, अगर तीनों सेक्शन लेने पड़ेंगे तो वी हैव टू मेक फ्री बॉडी डायग्राम्स. यहाँ पे काटा आपने, ठीक, इसको बैलेंस करने के लिए मैं कह सकता हूँ एफर्मेशन ऑफ फोर्सेज इंट्रोडक्शन इंक्लू जीरो. यहाँ पे मैं एक एफ अज्यूम करूँगा, क्या है मुझे नहीं पता क्या है, तो मैं कहूँगा प्लस एफ माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो. ये है ना, वही फोर्सेज लग रही है, बैलेंस में होना चाहिए इसको. ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू 5 kN. खैर ये तो इतनी लंबी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं थी कि नौ के 5 ही होगा. ठीक है ना, बहरहाल दिस इज द प्रोसीजर, राइट? अच्छा, नाउ व्हाट आई वाज सेइंग, मैं जब भी काटूंगा आई विल ऑलवेज पॉइंट दिस एफ इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. मुझे पता नहीं है क्या आएगा इसमें, लेकिन मैं स्टार्ट में ऐसे ही करूंगा, ये मेरी कन्वेंशन है. अब अगर रिजल्ट मेरा पॉजिटिव ही आ जाता है तो इट मीन्स कि माय अजम्पशन वाज राइट. इफ माय रिजल्ट केम आउट टू बी नेगेटिव तो इसका मतलब है कि मेरी अजम्पशन गलत थी. ठीक है ना, तो फिर वो इनवर्ड जा रही थी. ठीक है ना, ये समझ में. अच्छा, अब ये आउटवर्ड फोर्स डिसाइड होगी, ये आउटवर्ड है, तो मैंने जो ऊपर साइन कन्वेंशन लिखा था वो यही था, यानी
पी पॉजिटिव कौन सा होगा, जो आउटवर्ड फोर्सेज होंगे, और आप नोट करें आउटवर्ड फोर्सेज टेंशन ही होती हैं, टेंसाइल ही है, इसको खींच ही रही है, राइट। तो ये प्लस फाइव है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक हो गया, इसको ध्यान में रखें, प्लस फाइव। अच्छा अब यहाँ काटें, यहाँ काटें, नेक्स्ट। It is your liberty whether to take all the section, all the forces and body on the right or to the left. ये आपसे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एक ही बात। एट के न्यूटन से यहाँ पे फिर मैं, मुझे नहीं पता क्या है, इसको मैं एफ पी सी, इसको मुझे एफ ए बी कहना चाहिए, और ए बी आप देखें, ए बी मैं कहीं पे भी बीच में काटूँ, इट गिव मी द सेम फाइव, क्योंकि वो चेंज फोर्स पी जो है वो कंटिन्यूस नहीं आ रही, देखिए एक होता है ना फोर्स पी थ्रू आउट चल रही हो पर यूनिट लेंथ, फिर तो वो हर जगह चेंज होगा, वो नहीं है ना, वो अगले क्वेश्चन में आएगा, बट यहाँ तो नहीं है, तो इसलिए इस सेक्शन के अंदर मैं जहाँ भी काटूँ आई गेट द सेम थिंग। नाउ इन बिटवीन बी एंड सी वेयर एवर आई कट इट आई शुड गेट द सेम थिंग, ठीक है, एफ बी सी। तो मैं एफ बी सी को भी ऐसे ही लिखूंगा, समेशन ऑफ फोर्सेज इन द एक्स डायरेक्शन जीरो, मैं कहूँगा एफ बी सी प्लस एट माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो एफ बी सी इज इक्वल टू माइनस थ्री किलोमीटर, माइनस थ्री हो गया ना, तो इट मीन्स ये ऐसे नहीं था, ऐसे था, क्लियर हो गई बात। ये इनवर्ड है, ये इनवर्ड मीन्स ये कंप्रेसिव है, कंप्रेसिव मीन्स ये नेगेटिव है, तो यहाँ ज़रा नेगेटिव थ्री लिखी, ये मेरी मुराद थी, अभी मैं आता हूँ आगे चलता, ठीक है। अच्छा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको काटना है, अब एफ सी डी चाहिए, एफ सी डी के लिए मेरा ख्याल में बेहतर ये है, बजाय मैं लेफ्ट की सारी फिगर लूँ, आई कैन टेक इक्वली, आई कैन टेक द फिगर टू द राइट, यानी यहाँ काट रहा हूँ ना, तो मैं सिर्फ ये वाला पोर्शन ले लेता हूँ, बात तो एक ही है, वो लेफ्ट वाला लूँगा तभी ये सेम ही आंसर आएगा, वो अभी से करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसकी मैं फिर डायरेक्शन ये टूवर्ड एक्स एक्सिस ही लूँगा, तो इसको एफ सी डी कह देते हैं, ठीक है, तो एफ सी डी इज माइनस माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो एफ सी डी इज इक्वल टू सेवन किलोमीटर, तो बिल्कुल प्लस में आंसर आया, इट मीन्स कि मेरी डायरेक्शन जो थी वो ठीक थी, माई डायरेक्शन वॉज राइट, बट नाउ सी वेदर इट इज इनवर्ड और आउटवर्ड, ये एफ सी डी इनवर्ड है या आउटवर्ड है, इनवर्ड, इनवर्ड है, ये दिस इज द पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेक, ये इनवर्ड आउटवर्ड का ताल्लुक कोई एक्स एक्सिस की पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन के साथ हरगिज नहीं है, इसका ताल्लुक है जिस सेक्शन को कट कर रहे हैं उसके अंदर जा रहा है या बाहर निकल रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये भी माइनस सेवन, ठीक है। तो अगर मैं इसका एक्सियल फोर्स डायग्राम बनाऊं, इस प्रॉब्लम का एक्सियल फोर्स डायग्राम, ये ए बी सी डी यही है ना, ऐसे है ना, तो ये इसको ये प्लस फाइव, ए से बी तक प्लस फाइव था, बी से सी तक माइनस थ्री था, और सी से डी तक माइनस सेवन था, दिस इज योर एक्सियल फोर्स डायग्राम, ये हम यूज करेंगे, ठीक है। अब रह गई बात, व्हाट अबाउट ए डी, तो इसको समेशन ऑफ पी एल ओवर ए ई, तीन है ना, तीन सेगमेंट रहेंगे, एक ये है, क्योंकि हर एक की फोर्स फर्क है, तो हर का ना एड देम टुगेदर इन जस्ट वन टर्म नहीं हो सकता, तो फर्स्ट आएगा प्लस फाइव इंटू एल ए बी ओवर ए ई, ये मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ा कि ये कोई ना कोई प्रॉब्लम में लेंथ होंगी गिवन होंगी, एरिया गिवन होंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन होंगी, विल डू इट, ठीक है, इन रियल प्रॉब्लम वी विल यूज दिस, मैं अभी सिर्फ समझा रहा हूँ, प्लस समेशन मीन्स प्लस, ये समेशन ये वाला प्लस होता है, और ये जो है इंटेग्रेशन होती है, ये तब होता है जब कुछ चीज़ कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ये वाला समेशन तब होता है जब स्टेप वाइज चेंज हो रही है, ठीक है। अच्छा ये हो गया, अगला स्टेप आएगा माइनस थ्री इंटू एल बी सी ओवर ए ई, जो भी इसका इसके ए ई, इस केस में ए तो कॉन्स्टेंट है, लेकिन ई फर्क हो भी सकते हैं, ना भी हो डजंट मैटर, ये दैट इज नॉट द पॉइंट, ठीक है, प्लस फिर माइनस सेवन के साथ एल सी डी ओवर ए ई। अच्छा अब जरा गौर कीजिए, पहले वाला का जो डिफॉर्मेशन है ये पॉजिटिव होगी, नजर ही आ रहा है, क्योंकि हमने कहा था पॉजिटिव फोर्स के साथ पॉजिटिव डिफॉर्मेशन आती है, ठीक है ना, पॉजिटिव का मतलब है एक्सटेंशन, तो यहाँ एक्सटेंशन होगी, और यहाँ कंप्रेशन होगी,
नजर ही आ रहा है क्योंकि माइनस माइनस है। अब क्वेश्चन ये है कि ए डी कंप्रेशन होगी, टोटल एक्सटेंशन होगी या कंट्रेक्शन होगी, वी डोंट नो। ये डिपेंड करेगा, ये लेंथ और एरियाज पे डिपेंड करेगा। इफ द पॉजिटिव वन विंस ओवर द टू नेगेटिव वन, देन द नेट रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। नेट रिजल्ट पॉजिटिव का मतलब है कि ए से डी में एक्सटेंशन हो जाएगी, चाहे बीच में कहीं कंप्रेशन दो जगह हुई और एक जगह एक्सटेंशन हुई है, बट एक्सटेंशन विंस ओवर द कंप्रेशन। और इन ऑन द अदर हैंड इफ ए डी कम्स आउट टू बी नेगेटिव, देन इट मीन्स यहाँ पे टोटल में कंप्रेशन। डू यू गेट दिस पॉइंट? अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो बस ये हमारा काम फिर हो गया। कोई क्वेश्चन दें, इफ एनी क्वेश्चन इज देयर, क्योंकि ये सारे अभी हमने इनको अभी यूज करना है, इस सारी अप्रोच को अगेन इन एग्जाम्पल्स इन फोर प्रॉब्लम्स, ठीक है। बट इफ देयर इज अ क्वेश्चन प्लीज आस्क नाउ। यही दो फार्मूलाज हैं फिलहाल, जस्ट टू फार्मूलाज, दोनों की मैं एप्लीकेशन अभी आपको करा के दिखाता हूँ। नो क्वेश्चन? चलिए, ओके गुड। आज हमारी क्लास जो है वो 11 कब तक है? लेट मी सी, नहीं मेरे ख्याल है आमतौर पे कब तक होती है? तो लेट मी, चलो एक क्वेश्चन तो हम एक मिनट में कर लेंगे ना, फिर विल टेक अ स्मॉल ब्रेक, ठीक है। अब ये इनकी एप्लीकेशन आने वाली, और मैं इनको जरा गौर से देखिएगा इन प्रॉब्लम्स को। ये मैंने आपसे अभी तक हमने कोई काम नहीं किया, अभी अब आपके असाइनमेंट्स और ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अभी तक तो आपको हमने कोई काम कराया नहीं था ना उस तरह का, लेकिन अब इंशाल्लाह वी आर इन अ पोजीशन जहां हम जल्दी जल्दी, तो आपको ना प्रॉब्लम सेट सेट आज मिल जाएगा पहला वाला, राइट। तो वो सेट आपको करने के लिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है जो हम अभी करने लगे हैं। प्रैक्टिस उससे होगी, बट कॉन्सेप्ट यू विल मेक हेयर। सो इफ देर इज एनी प्रॉब्लम प्लीज डू आस्क, कोई शर्माने वाली बात नहीं है, बार बार पूछें, कोई इशू नहीं है। ये क्वेश्चन है, द कॉम्पोजिट रॉड कंसिस्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम कॉपर एंड स्टील। अब ये नज़र आ रहा है एल्यूमिनियम, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो तीनों के एरियाज भी फ़र्क फर्क हैं, तीनों के मटीरियल भी फ़र्क फर्क हैं। लेकिन अगर मटीरियल ना भी फ़र्क होते और एरियाज ना भी फ़र्क होते, द फैक्ट दैट इन बिटवीन फोर्सेज आर देयर, एट पॉइंट बी देर इज अ सेट ऑफ फोर्सेज, देन एट पॉइंट सी देर इज अ सेट ऑफ फोर्सेज, तो इसको हमें तीन सेगमेंट्स में तो करना ही था। ये एक सेगमेंट में नहीं हो सकता, इसमें जो कुछ भी करेंगे तीन सेगमेंट्स में करेंगे। इस केस में तो डेफिनेटली तीन में करना है, क्योंकि वो एरियाज भी चेंज हो रहे हैं, मटीरियल भी चेंज हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट एक भी चीज़ चेंज हो जाती इसमें, ये 16 किलो न्यूटन और 8 किलो न्यूटन वाली फोर्सेज ना होती। थोड़ी देर में मान लेते हैं एरिया चेंज हो रहे हैं तो आपको तीन सेगमेंट करने पड़ने, एरिया भी चेंज ना होते, सिर्फ मटेरियल चेंज हो रहे थे, तीन सेगमेंट करते, क्योंकि ए ई ओवर एल, पी एल ओवर ए ई, पी एल ओवर ए ई, याद रखें इनमें से कोई एक चीज चेंज हुई नया सेगमेंट आएगा। करना क्या है, इस पर फोर्सेज लगती हैं, मालूम क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट एट एंड ए विद रिस्पेक्ट टू एंड डी, एक तो हमें ए विद रिस्पेक्ट टू डी मालूम करना है, जो अभी किया है प्रोसेस, बट नाउ विल डू इट कम्प्लीटली। और दूसरा रेड में नॉर्मल स्ट्रेस इन ईच सेक्शन, हर सेक्शन में एक नॉर्मल स्ट्रेस हो रहा होगा जो कॉन्स्टेंट होगा, हर सेक्शन के अंदर कॉन्स्टेंट होगा, लेकिन दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर सेक्शन, ये मालूम करना, ठीक हो गया। जस्ट अप्लाई वॉट वी हैव जस्ट लर्नड एंड इट विल टेक अबाउट 2 मिनट्स टू डू दिस प्रॉब्लम, ठीक है। पहला स्टेप हम कर लेते हैं, स्ट्रेस मालूम कर लेते हैं, एक ही बात है, कोई भी चीज़ पहले कर सकते हैं, बट वेदर वी वॉन्ट टू कैलकुलेट स्ट्रेस, विच विल इन दिस केस स्ट्रेस का फॉर्मूला, इन दिस केस स्ट्रेस का फॉर्मूला ये नहीं होगा, यानी स्ट्रेस का फॉर्मूला ये तब होता है जब पी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा हो, ए कंटिन्यूसली चेंज हो, ये नहीं हो रहे, स्ट्रेस का फॉर्मूला तो ये ही है इस केस में, लेकिन लगाना इसको तीन अलग अलग जगहों पे, इधर और है, इधर पी और है, इधर पी और है, लेकिन पी डिस्क्रीटली चेंज हो रहा है, कोई कंटिन्यूसली चेंज नहीं हो रहा, सो इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स। एरिया भी तीनों में तो फर्क फर्क है, बट हर एक में तो कॉन्स्टेंट है, ठीक हो गया ना। तो एक तो ये फार्मूला आपको चाहिए, दूसरा वो जो आपका डेल्टा जो जनरल फार्मूला था वो तो याद करें, वो तो था ना कि पी एक्स डी एक्स ओवर ए एक्स ई,
जीरो टू एल ये था ना, बट ये इसमें नहीं लगेगा इस बार। इधर तो हमें डेल्टा बेसिकली समेशन ऑफ पी एल ओवर ए, क्योंकि हर सेगमेंट पी वगैरह एल ए ई फर्क है, बट इन वन सेगमेंट तो पी भी सेम है, लेंथ ज़्यादा सेम ही होती है, ए भी सेम है, ई भी सेम है। तो अभी हमने फर्स्ट एग्जाम्पल ईजियर वन, हमें इसमें इंटीग्रेशन वगैरह की जरूरत नहीं है, ये दो फार्मूलाज यूज़ करने हैं। तो इन दोनों चीज़ों में क्या चाहिए, ए तो गिवन है प्रॉब्लम में, ये तीनों गिवन है हमें, लेंथ तीनों गिवन है, यंग मॉडल तीनों गिवन है, सिर्फ पी आपको हर सेगमेंट मालूम करना है। तो पी हमने अभी जिस तरह मालूम किया था कर लेते हैं, इसको अगर मैं ऐसे काटूँगा तो आई थिंक इट इज़ वेरी ईजी टू सी। चलें इस पहला सवाल है मैं फिर कर देता हूँ, ये नाइन तो गिवन है, ये कितना होगा, ये भी नाइन ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना, और ये नाइन पॉजिटिव ही होगा क्योंकि आउट ऑफ द सेक्शन, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अगला सेक्शन जब मैं काटता हूँ, इसको मैं कहूँगा पी ए बी। अच्छा अब अगला सेक्शन ग्रीन में जो मैंने शो किया, ये मैं काटता हूँ, तो माई फ्री बॉडी डायग्राम विल नाउ बी नाइन सिक्सटीन। अच्छा नोट कीजिए एक बार, 16 और 16 इक्वली दोनों तरफ इक्वली डिस्टेंट लग रहा है, तो इसलिए ये एक्सियल प्रॉब्लम है। अगर ये सिर्फ नीचे की तरफ लग रहा होता ना, ऊपर ना लग रहा, नीचे की तरफ 32 लग रहा होता, तो इसमें फिर बेंडिंग आ जाए। इसका सेंट्रॉयड हमेशा, इसका जो रिजल्टेंट है, इट मस्ट पास थ्रू द सेंट्रॉयड सो दैट देर इज नो बेंडिंग, याद कीजिएगा। तो ये सिर्फ तभी एक्सियल प्रॉब्लम लगता है, राइट। इसको आपने एफ बी सी, तो आप कहेंगे एफ बी सी प्लस 32 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, राइट। एफ बी सी इज इक्वल टू माइनस 23, ठीक हो गया ना, किलो न्यूटन, ये भी बन गया आपके पास। अच्छा तीसरा रेड में यहाँ काटें, अब यहाँ जब मैं तीसरे तक पहुँचूंगा तो नाउ आई थिंक इट इज़ बेटर टू टेक द राइट हैंड साइड, ताकि मुझे कम से कम फोर्सेस को लेना पड़े। बात तो एक ही है, एफ सी डी, तो एफ सी डी माइनस 7 इज इक्वल टू 0, एफ सी डी इज इक्वल टू 7 किलो न्यूटन, और 7 किलो न्यूटन भी इन टू द सेक्शन जा रहा है, इन टू द सेक्शन। ये देखे ना, ये माइनस था, तो इट मीन्स ये जो मैंने ये एफ बी सी शो किया था ना, ये एक्चुअली ऐसे था, इन टू था, ठीक है ना। तो ये तो ऑलरेडी इन टू ही है, प्लस आया, बट दिस इज ऑलरेडी इन टू, सो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, राइट। अच्छा अब ये तीन चीज़ें अगर आपके पास हो गई, तो ऑल आई नीड टू डू इज सिग्मा ए बी इज इक्वल टू 9 और हम क्या था, प्लस 9, 10 रेस्ट हुआ थी, ताकि मैं न्यूटन में कन्वर्ट कर दूँ, डिवाइडेड बाय इट्स एरिया इज 58 स्क्वायर मिलीमीटर। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 155 मेगा पास्कल आंसर आता है, ठीक है, क्यों, न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर, ये हमेशा एमपीए ही होता है। सिग्मा बी सी माइनस आपने 23 जस्ट टू कन्वर्ट इनटू न्यूटन डिवाइड बाय 77, दिस इज द एरिया, सो वी गेट 299 मेगा पास्कल। और ये टेंशन में है, प्लस है ना, और ये कंप्रेशन, ये याद रखिएगा, माइनस या तो माइनस तक आए उधर राइट हैंड साइड पे, या कंप्रेशन लिखें वरना गड़बड़ है ना। सी डी केम आउट टू बी माइनस 7, 10 इज पावर 3 पर किलो न्यूटन कन्वर्जन टू न्यूटन्स डिवाइडेड बाय एरिया 39, देन यू गेट 179 मेगा पास्कल, अगेन कंप्रेशन। ये तो आपका हो गया जो पहला वाला पार्ट, या दूसरा पार्ट कह लें, स्ट्रेसेस इन द थ्री सेगमेंट्स, ठीक है ना, ये तो हो गया। दूसरा क्या मांगा था, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ए विद रिस्पेक्ट टू डी, यानी एक एंड से दूसरे एंड तक। वो अगर आपसे कहता है मुझे सिर्फ बता दो हाउ मच, अगर वो कहता हाउ मच पॉइंट ए मूव्स विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी, ये भी कह सकता था, तो फिर हम कितने समेशन लेते फिर उस सूरत में, ए और सी का रिलेशनशिप मालूम करना होता, हमें सी डी में क्या हो रहा है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, ए से सी में कितना चेंज आया, चेंज इन लेंथ, तो हम फिर दो दफा समेशन लेते हैं। अब वो ए से डी टोटल में कह रहा है, तो ए से डी तीन समेशन लेनी पड़ेंगी, ठीक है ना, हमारे पास लकीली सारा सामान मौजूद है, पी एल ओवर ए, ठीक हो गया। तो पहला 9 इंटू 10 रेज़ टू 3, ये 9
फर्स्ट में आप याद करें प्लस 9 है, ठीक है। एल 450, मैं एक दफा फिर आपको अगर दिखा दूं, ये लेंथ याद रखिएगा, एक की लेंथ 450 है फर्स्ट वाले की, दूसरे की 300 है, फिर 400 है, याद रखिएगा, ठीक है। और यंग मॉड्यूलस एल्युमिनियम का 70 वैसे भी याद होना चाहिए आपको, कॉपर का अराउंड 125, 126 और 200, ये तीन चीज़ें जनरली होती हैं, बट डजेंट मैटर, ये तो यहाँ के बना है, ठीक है। आई विल जस्ट पुट इन द वैल्यूज नाउ। A58 पहले भी यूज़ किया था, 70 to 10, यहाँ भी मैंने क्या किया है, GPA को MPA में कन्वर्ट किया है, तो मैं हर चीज़ को MPA वगैरह में कन्वर्ट करूँगा ना, तो मेरे पास फिर आंसर जो है ना वो मिलीमीटर में आएंगे। देखिए ना, मिलीमीटर न्यूटन मिलीमीटर सिस्टम को मैं चलाता रहा हर जगह, तो जाहिर है फिर स्ट्रेस भी न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर हो जाएगा, विच इज़ MPA। तो इस सिस्टम को मैं अगर MPA और न्यूटन यूज़ करूँगा तो आंसर मिलीमीटर में आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट का, मिलीमीटर न्यूटन यूज़ करूँगा फोर्सेस का तो आंसर, मतलब आई विल बी कंसिस्टेंट जो भी सिस्टम यूज़ करूँ, राइट। अच्छा ये हो गया, तो ये तो एक चीज़ थी। देन आई सेकेंड सेक्शन में माइनस साइन था, साइन नहीं भूलना आपने, इसकी लेंथ 300 थी, इसकी एरिया 77 126, अगेन कन्वर्जन टू MPA, फिर 7 kN 400 लेंथ 39 × 210 ये MPA। अच्छा अब जरा बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर आने वाला है, पहले वाले पार्ट में 0.9975 आंसर आएगा, यानी ये ए से बी के दरमियान तो एक्सटेंशन ही होनी है ना, जाहिर है, तो टेंशन लग रही है तो वो एक्सटेंड ही करेगा ना, वो प्रॉपर ट्रैक्ट नहीं कर सकता, बाकी दो में नेगेटिव साइन के साथ ही आंसर आएंगे बिकॉज नेगेटिव साइन इज देयर, तो उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो रही है दोनों में। अच्छा अब टोटल में क्या हो रहा है, टोटल ए डी में क्या कॉन्ट्रैक्शन होगी या वो क्या होगा, इट साइन विल टेल अस, इफ यू एड देम टूगेदर तो इट टर्न्स आउट दैट आंसर नेगेटिव, यानी कंप्रेशन विंस ओवर, इसका मतलब है कि अब आप दूसरी, अब आप उल्टा यानी अपनी लॉजिक लगाएंगे, पहले क्या था कि फोर्स अगर आउटवर्ड है तो पॉजिटिव है, अब आंसर में जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आई है तो इट मींस कॉन्ट्रेक्शन होगी, ठीक है ना, तो पॉजिटिव आता तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट ए और डी जो है ना, ए एंड पॉइंट्स ए एंड डी कम क्लोजर टू ईच अदर, यानी इतने डिस्टेंस से वो करीब आ जाएंगे, ठीक है, यू अंडरस्टैंड इट, इजी क्वेश्चन है ना बहुत, अगले बार इतने इजी नहीं होंगे, ये मैं वॉर्न कर दूं आपको, लेकिन ये तो बहुत इजी था ना, तो इसी अच्छे पॉइंट पर हम